हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। और ये आपके सामने आप देख रहे हैं, मैं काजीरंगा में नहीं हूँ, लेकिन ये है टाटा मोटर्स का काजीरंगा एडिशन फॉर देयर SUVs। तो ये आप देख रहे हैं नेक्सॉन और पंच, और यहाँ पे है द टू बिग SUVs, हैरियर एंड सफारी। तो टाटा की जो SUVs हैं वो एक होमेज पे कर रहे हैं टू द काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए, और ये स्पेशल एडिशन इन्होंने लॉन्च की है। तो इसमें क्या चेंजेस हैं मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। वैसे स्पेसिफिकेशंस में और इंजन में कोई फ़र्क नहीं है इन गाड़ियों में, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐड किए हैं जो एक होमेज पे करते हैं काजीरंगा को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो कलर्स इनमें हैं, सेम कलर है, ग्रासलैंड बेज कलर है ये, विच इज़ एक्चुअली बेज एंड गोल्डनिश कलर। अब आपको वीडियो में इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन आप अगर इसे लाइव देखें तो आपको पता चलेगा। नाउ दिस इज़ वन एलिमेंट विच इज़ एडेड फेंडर पे, ये राइनोसरस का एक सिलहूट है, और ये है हैरियर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टाटा पंच के बारे में। आई एम श्योर कि आप लोग को उसमें इंटरेस्ट होगा कि क्या चेंज हुआ है इसमें। तो जैसे मैंने कहा कि स्पेसिफिकेशंस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये कलर नया है और ब्लैक एलॉयज आते हैं इसमें, और यहाँ पे भी इस पे फेंडर पे आप देख सकते हैं राइनो बना हुआ है। ये बताते हुए कि ये काजीरंगा एडिशन है, यहाँ पे आप इसके साइड स्कर्ट्स को देखेंगे तो ये ब्लैक कलर है एंड इट गिव्स अ वेरी गुड लुक टू द एंटायर व्हीकल। इसका जो रूफ़ है ये भी ब्लैक है, ग्लॉसी ब्लैक कलर का रूफ है इसका। रूफ रेल्स आर ऑल्सो ब्लैक, और ये इस तरह से पीछे का लुक है इसका। बाकी अगर इंटीरियर्स की बात करें तो यहाँ पे जो चेंज आया है वो है इसके इंटीरियर कलर थीम में, ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ न्यू बेज कलर फॉर द काजीरंगा एडिशन। और सीट में भी आपको ब्लैक और बेज का टू टोन कॉम्बिनेशन मिलेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई ट्राई टू शो यू, लाइट यहाँ पे थोड़ी सी अजीब है, लेकिन यहाँ पे एक राइनोसरस का हेड बना हुआ है जो आपको सारी गाड़ियों में मिलेगा ओके हेडरेस्ट के ऊपर। बाकी सारे जो इक्विपमेंट है ये सेम है, कोई चेंज नहीं है इसमें। कॉस्मेटिकली जो है चेंजेस हुए हैं इसमें, ये एक छोटा सा अम्ब्रेला है जिसके ऊपर भी राइनोसोरस बना है। बाकी पंच में कोई चेंज नहीं है। इट्स ओनली द इंटीरियर्स। और इसके प्राइस में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, अराउंड 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है फॉर द काजीरंगा एडिशन फॉर दिस स्पेशल कलर एंड दिस ब्लैक कलर व्हील्स। और ये जो टू टोन कलर है उसके लिए आपको लगभग 20,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फॉर द पंच। अब बात करते हैं इससे बड़ी SUV यानी नेक्सॉन की। नेक्सॉन भी आप देख सकते हैं सेम कलर है और सेम एलिमेंट्स इसमें भी यूज़ किए गए हैं, ब्लैक एलॉयज हैं, और ये रूफ भी इसका ब्लैक है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द बिहाइंड। लेकिन नेक्सॉन में कुछ चेंजेस ज़्यादा हुए हैं इन द काजीरंगा एडिशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे बड़ा चेंज ये है कि अब नेक्सॉन में भी वेंटिलेटेड सीट्स आ गए हैं, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स इन द काजीरंगा एडिशन, अपार्ट फ्रॉम द इंटीरियर्स जो आप सकते हैं बेज कलर के सीट्स हैं, बेज एंड ब्लैक, और यहाँ पे ब्लैक है, और ये वुड फिनिश जो है ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो दीज आर द चेंजेस। इसके अलावा इंफोटेनमेंट में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले मिल जाता है। एक और एडिशन जो नेक्सॉन में अब हुआ है वो है ये ऑटोक्रोमिक मिरर आ जाता है इसमें आपको, दैट इज़ न्यू इन द काजीरंगा एडिशन। और इसमें एयर प्यूरीफायर भी आपको मिलता है। सो दीज आर सम न्यू चेंजेस जो नेक्सॉन में हुए हैं। और काजीरंगा एडिशन नेक्सॉन की जो प्राइस है ये लगभग, और जो प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी इसके लिए वो अराउंड 70,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है इन द नेक्सॉन, बिकॉज ये फीचर्स भी आ गए हैं इसमें, वेंटिलेट सीट्स है, जो ऑटोक्रोमिक मिरर है वो अब नेक्सॉन में आ गया है। उसके अलावा और कोई
इसमें खास चेंज नहीं है। अब हम बात करते हैं हैरियर की। हैरियर जो है, अगेन द सेम थीम फॉलोड इन द हैरियर, दिस बेज कलर विद द राइनो ऑन द फेंडर, ब्लैक एलॉयज, और इसमें आपको बहुत सारा चेंजेस नहीं मिलेंगे इंटीरियर्स में। ये वुड फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाएगी जिस तरह नेक्सॉन में है, और ये देखिए इसके सीट्स हैं, यहाँ पे हमारे राइनोसरस भी बैठे हुए हैं, और उसके अलावा इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं हुआ है। लेकिन एक मेजर चेंज इसमें भी जो आ गया है वो है वेंटिलेटेड सीट्स, फ्रंट सीट्स हैरियर में भी अब वेंटिलेटेड आ गए हैं, और इसमें भी लगभग अराउंड 70,000 के आसपास आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और मेजर रीज़न है ये, अपार्ट फ्रॉम द कलर थीम एंड दीज व्हील्स एंड द रेस्ट ऑफ द काजीरंगा एडिशन फीचर्स। नाउ हैरियर के बाद है सफारी, और सफारी में एक्चुअली काफ़ी सारे चेंजेस हाल ही में हुए हैं, बहुत सारे वर्जन्स भी आए हैं, और काजीरंगा एडिशन बेसिकली इसमें कलर चेंज है, व्हील्स आर ब्लैक जस्ट लाइक द डार्क एडिशन। और यहाँ पे भी देखिए ये है हमारा राइनो, और उसके अलावा इंटीरियर्स अगर हम देखें तो इसमें आपको मिलेगा अगेन दिस ब्लैक एंड बेज कलर, वेंटिलेटेड सीट्स ऑलरेडी आ चुके थे इसमें फ्रंट में और रियर में भी, ये कैप्टन सीट्स हैं इसके, और यहाँ पे भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाते हैं, ये दोनों कैप्टन सीट जो हैं ये वेंटिलेटेड है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है एंड यूनिक भी है सफारी के लिए कि पीछे के सीट्स भी वेंटिलेटेड हैं, दिस इज़ वन यूनिक फीचर। और इसमें एक्चुअली सफारी काजीरंगा एडिशन में फीचर्स में कोई चेंज नहीं हुए हैं, और इसमें भी जो आपको इंक्रीमेंटल प्राइस है सफारी की वो लगभग 20,000 रुपीज़ की है ओवर द टॉप एंड वेरिएंट्स। और ये जो काजीरंगा एडिशन है ये बेसिकली सारी गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट पे ही बेस्ड है। यहाँ पे भी आप देखिए ये वुड फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाता है, एंड आई रियली लाइक इट, इट्स लुकिंग नाइस। बाकी इंफोटेनमेंट में कोई चेंज नहीं है, जो अपडेट्स हाल ही में हुए हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए वायरलेस चार्जिंग जो इंट्रोड्यूस हुआ था हाल ही में वो इसमें आता है, अपार्ट फ्रॉम दैट नो अदर चेंज। सो ये है इन ऑल द एंटायर काजीरंगा एडिशन रेंज ऑफ टाटा मोटर्स। टाटा की ये सारी SUVs आप एक साथ देख सकते हैं, एंड टाटा कहता है कि ये नंबर वन SUV ब्रांड है, और अगर हम इन गाड़ियों को SUV कंसीडर करें तो ऑफ कोर्स दे आर ऑल वेरी पॉपुलर। तो आप हमें बताइए दोस्तों कि आपकी फेवरेट SUV कौन सी है टाटा की इन सब में से, और काजीरंगा एडिशन आपको कैसा लग रहा है, क्या आप खरीदना चाहेंगे, और अगर काजीरंगा एडिशन आप खरीदना चाहते हैं तो आप कौन सी खरीदना चाहते हैं, सफारी, नेक्सॉन, पंच या फिर हैरियर। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियरफ्लिक को सब्सक्राइब कीजिए, फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।